जिलाधिकारी मुर्दाबाद, कन्नाधिकारी मुर्दाबाद। देवेंद्र जी, क्या कारण है जो आज आपको हरे भरे गन्ने के खेत को आग के हवाले करना पड़ा? देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हम कितनी मेहनत से गन्ना उगाते हैं। अगर हमें गन्ने की सप्लाई या उसका मूल्य नहीं मिलता है ठीक से, तभी हम मजबूर होते हैं गन्ना जलाने के लिए। आज हमारे साथ वो जो है बहुत पछतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, चीनी मिल कर रही है, इस वजह से हम लोग मजबूर हैं गन्ना जलाने के लिए। क्या किया, क्या हुआ? हमारा सेंटर यहाँ पर था हमारे गांव के नज़दीक। ये लोग जो है चीनी मिल क्षेत्रीय विधायक के दबाव में ये हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे लेके जा रहे हैं, जबकि 80% गन्ने की सप्लाई मलिया गांव अकेले करता है। इसके बावजूद जब वहाँ ले जा रहे हैं तो सभी लोगों की यह सहमति बनी है कि हम गन्ना वहाँ पर किसी भी कीमत पर सप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने खेतों में गन्ना जला देंगे। क्या इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? बिल्कुल, मैंने मंडल आयुक्त संजय भूसरेड्डी जी से बात की, लोग क्षेत्रीय और लोग भी हमारे साथ में गए तो उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया और कहा डीएम साहब से आप बात करिए। डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा आप डीसीओ साहब से बात करिए। जब डीसीओ साहब के पास गए तो बोले कि हमारे ऊपर क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, मजबूर है, हम हटाएंगे। अच्छा, कितना किसने कही ये बात के क्षेत्रीय विधायक का दबाव? ये डीसीओ साहब ने, जिला गन्ना अधिकारी ने हमसे, मुझसे और तीन हमारे साथ में जो लोग थे सबके सबसे ये बात कही। कितना गन्ना अब जलाएंगे आप? हम आज 2 एकड़ गन्ना आज जलाएंगे और 10 एकड़ गन्ना हम सब लोग मिला के आज जलाने जा रहे हैं। वो सेंटर जो हटाया गया था वो किस चीनी मिल का? रोजा चीनी मिल का है। बहुत बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 90 में इमलिया गांव के लिए सेंटर मिला था, उसे हटा के इमलिया एट पणेचा कर दिया गया। आज इमलिया एट पणेचा हटा के पणेचा कर दिया गया और जो हमारे यहां से 2 किलोमीटर दूर सेंटर था आज 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया। ऐसा क्यों, हम जब हम गन्ना सप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत। आग लगाने के बाद भी गन्ने में अगर आपको न्याय नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? हम विधानसभा जाके गन्ना जलाएंगे, यहाँ से लखनऊ तक हम लोग जाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को हम और आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी, थाना काट के इमलिया गांव में कुछ किसानों ने गन्ने को आज आग लगाई है। उनका आरोप है कि जो सेंटर है वहाँ से हटा दिया गया और उनकी अब मांग है कि सेंटर वहीं पे स्थापित किया जाए। क्या पूरा मामला है? देखिए, गन्ना आग लगने के संबंध में कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है और क्रय केंद्र पड़ेचा विगत कई वर्षों से जो इस समय लगा है इसी स्थान पर स्थापित था। पिछले वर्ष उसे नई जगह स्थापित किया गया था। वहाँ का किसानों की मांग और स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इसे चेंज करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ था, उसे कल ही दूसरी जगह स्थापित किया गया है। जो भी प्रशासन का आदेश हुआ उसका हमारे द्वारा पालन किया गया है। किसानों की मांग थी, किसानों की मांग के अनुसार जिला प्रशासन ने उसे स्थान परिवर्तन करवाया है। किसानों का एक आरोप है कि 200 मीटर क्षेत्रीय विधायक के दबाव में ये सब कुछ हुआ है। नहीं, इसमें हम लोगों के स्तर से क्षेत्रीय विधायक या किसी की कोई भी राजनीतिक मामला नहीं है। केवल हमें जिला प्रशासन से और जो पुरानी दूर सेंटर पिछले साल लगा था वहाँ से मात्र 200 मीटर अलग लगा है और यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक का कोई रोल नहीं है हमारे द्वारा। जिला प्रशासन पे हो हम नहीं जानते।